नाजमाबाद दो नंबर से आया हूँ खाने के लिए। आप देखें हर आइटम है इसमें, इसमें फुलकियाँ भी हैं, इसमें चने भी हैं, इसमें आलू भी हैं। हमारी रिहाइश तो पापोश में है, ये है कि गोलगप्पे खाने के लिए यहाँ नाजमाबाद आते हैं। हालांकि ठीक है, आप देख लें, फिर भी जो है ज़बरदस्त जायका है। ये भाई हैं भाई, इनको याद रखिएगा, ये आपको रोजाना यहाँ पर असर की नमाज से बाद मिलेंगे। मैं इन्हीं का हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताह सराज। नाज़रीन, शाम का वक्त है और शाम के वक्त जो है ना कराची की आवाम जो है कुछ चटपटा खाती है, चटपटा और कुछ स्नैक्स या इस तरह की चीज़ें खाती है। तो इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं ताह भाई? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नाजमाबाद प्राइस मार्केट में और यहाँ पर मिल रहे हैं ज़बरदस्त गोलगप्पे, जो कि थोड़े से कराची में जैसे गोलगप्पे मिलते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मुल्तानी गोलगप्पे हैं भाई, मगर मिल रहे हैं कराची में। अच्छा, कुछ डिफरेंट भी है जो मैंने देखा इसके अंदर। कराची में सिर्फ चने डालते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर कुछ अलग सी कोई चीज़ भी है, वो उसका नाम की, हाँ, कोई चीज़ मेरा बूंदिया, लंबी लंबी बूंदिया है। तो चलकर उन्हीं से पूछते हैं भाई, ये वो है क्या दरअसल जो डालते हैं वो? तो हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। मुल्तानी गोलगप्पे का स्टॉप समझ लें, ये सामने जो है ना फ्लाईओवर, सॉरी अंडरपास है नाजमाबाद का, ठीक है जी। इसके साथ ये गत्तों वाली गली है, ये कार्टन मिलते हैं लाइन से यहाँ पे, ठीक है। और इसके सामने ये मस्जिद है, मस्जिद कौन सी है भाई? ये नूर मस्जिद। नूर मस्जिद, बस ये नूर मस्जिद के नीचे ही जो है ना ये है मुल्तान के स्पेशल गोलगप्पे। तो भाई अब ये मुल्तानी भाइयों से ही पूछते हैं चल के कि कराची के गोलगप्पों में और मुल्तान के गोलगप्पों में क्या फ़र्क है। और माशाल्लाह देखें आप, कराची वाले भी खा रहे हैं गोलगप्पे दबा के। मुल्तानी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। थोड़ा सा फ़र्क बता दो कराची के गोलगप्पों में और ये मुल्तानी आपने जो लगाए हैं इसमें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये पानी हमारे पास पुदीने का पानी है और मसाले वाली चटनी है, और इस मुल्तान के स्पेशल गोलगप्पे इसमें हम आलू और फुलकी डालते हैं। अच्छा, और ये फुलकी है जो आप दिखा रहे हैं? जी जी, बेसन की। ये जो ठीक जी जी, ये फुलकी है और आलू इसमें साथ आप कह रहे हैं कि डालते हैं? जी जी, आलू भी डालते हैं। बाकी जो पानी है उसमें पुदीने का, पुदीने का पानी है, सौंठ का, पुदीने का। गोलगप्पे आपको इंशाल्लाह हर जगह मिलेगा, मगर जायका कहीं कहीं मिलेगा भाई। ये ख़ास मुल्तान के गोलगप्पे हैं और जो डिफरेंशिएट इन्होंने कर दिया है कि यहाँ में और कराची के गोलगप्पों में क्या फ़र्क है। तो ता भाई, आज कैमरा आपके हाथ में है तो हो जाए फिर, ट्राई कर लें यार। ज़रा आप भाई खाएंगे? एक हमारे सब्सक्राइबर आए हुए लेकिन वो ज़रा शरई पर्दा करते हैं वो कैमरे से। तो भाई तीन गोलगप्पे बनाते हैं, ज़रा खाएं, खा लें यार, आप भी खा लें, तीन बना दें। कौन सी चटनी है ये? ये रायता है। ये रायता है, ये हरी हरी प्याज जो होती है, सॉरी हरी प्याज नहीं, धनिया पुदीना। धनिया पुदीना, अच्छा हरा रायता है ये, ठीक है जी। और ये क्या है इसमें? क्या है ये? पानी है गोलगप्पों का। और इसमें क्या है? मीठा गुड़ और खजूर का। मीठा गुड़ और खजूर का है जी। और इसमें क्या है बॉस? ये मुल्तान की स्पेशल चटनी है। मुल्तान की स्पेशल चटनी, ओहो असल तो ये है भाई, मुल्तान की स्पेशल चटनी। ये देख रहे हैं आप, गाढ़ापन है जबरदस्त, गाढ़ापन कहीं नहीं मिलेगा, बेहतरीन बेहतरीन भाई। ये भाई हैं भाई, इनको याद रखिएगा, ये आपको रोजाना यहाँ पर असर की नमाज से बाद मिलेंगे। मैं इन्हीं का हो गया। ये असर के बाद रोज आते हैं, रोज खाते हैं। रोज खाता हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? सर क्या खा रहे हैं आप? भाई ये गोलगप्पे हैं, माशाल्लाह मीठे गोलगप्पे हैं, और मैं नाजमाबाद 2 नंबर से आया हूँ खाने के लिए। 2 नंबर पे रहता हूँ और हफ्ते में एक बार लाजमी यहाँ के गोलगप्पे खाता हूँ। माशाल्लाह, तो क्या फ़र्क मिलता है आपको यहाँ में और दीगर? बहुत फ़र्क मिलता है, बहुत फ़र्क। इसमें आप देखें हर आइटम है, इसमें फुल्कियाँ भी हैं, इसमें चने भी हैं, इसमें आलू भी हैं। तो मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, लेकिन इसका जायका है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खा रहे हैं आप? गोलगप्पे खाने जैसा आप देख रहे हैं। वो कैसा पाए आपने गोलगप्पे? गोलगप्पे तो बहुत ज़बरदस्त है। हमारी रिहाइश तो पापोश में है, ये है कि गोलगप्पे खाने के लिए यहाँ नाजमाबाद आते हैं। हालांकि ठीक है, आप देख लें, फिर भी जो है ज़बरदस्त जायका है। तो दीगर जो कराची के गोलगप्पे हैं और ये जो मुल्तानी गोलगप्पे हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट बता दें। इसमें डिफरेंट ये है कि इनकी अपनी जो है कुछ वो इन्होंने क्या डाली हुई चीज़ें डाली हुई, फुल्की वगैरह, छोटी वगैरह चीज़ें डाली हुई। ये हर जगह नहीं होती, हर जगह तकरीबन छोले वगैरह ये चीज़ें होती हैं बस। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जनाब आ गई है प्लेट। एक प्लेट और आ गई है। आ जाए हम लोग वहाँ चलते हैं सर। भाई मुल्तान के गोलगप्पे कराची में आपको मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा सूरत हाल में दिखा देता हूँ, वैसे बनते हुए देख भी लिया होगा आप लोगों ने। ये चने मौजूद हैं, आलू इसमें डले हुए हैं और फुल्कियाँ डली हुई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। रायता है, मीठी चटनी है, लाल वाली चटनी है, बहुत सारी चटनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब मैं आपको खा के आपको बताता हूँ। साथ में ये जो गोलगप्पों की जान है, सौंठ का पानी वो दिया हुआ है इन्होंने। डुबकी लगा ली है, अभी खा रहा हूँ। बहुत अच्छा जायका डेवलप हुआ है। मुनफरद हैं गोलगप्पे आम गोलगप्पों से। जो इसका ये आप कह लेंगे गप्पा है, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और टेस्टी है। बाज़ जगह अमूमन ये होता है कि वो पुराने बने हुए रखे होते हैं तो बासी हो जाते हैं, फ्रेशनेस नहीं आती। ताज़ा माल लग रहा है। और जो इसमें हर चीज़ डली हुई है ना, चटनी, मीठी चटनी इन्होंने डाली हुई है, लाल चटनी इन्होंने डाली हुई है, तो वो 3 मुख्तलिफ जायके आपको मिलने हैं। चटपटा भी मिल रहा है, खट्टा मीठा जायका भी मिल रहा है, ज़बरदस्त जायका। जनाब मुल्तानी गोलगप्पे हाजिर हैं। अच्छा सबसे पहली बात ये कि साइज़ थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और दूसरा ये कि फुल भरा हुआ है। देखिए आप, हमारे जो कराची वाले गोलगप्पे होते हैं वो थोड़ा खाली होते हैं, तकरीबन आधे खाली होते हैं। ये इन्होंने फुल भर के दिया, तो मेरे ख्याल है कि इस वक्त ये थोड़ा सौगी हो गया है क्योंकि पड़ा हुआ था काफ़ी देर से। तो मैं इसको बजाय पानी के साथ खाऊं, इसको ऐसे ही खा लेता हूं। ऊपर से फिर पानी पी के बताता हूं आपको। ये मैं इसी तरह खा लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आला। इसमें हरी चटनी का जो जायका आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और चने तो खैर है ही है, अभी ये मैं पानी पीता हूँ इसका, फिर बताता हूँ आपको। पानी बिल्कुल A1 है, मतलब जो हमारे कराची के पानी होते हैं तकरीबन वैसे ही है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता जो इसका गोल गप्पा है ना, वो बहुत ही आला है और क्रिस्पी है। मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा सौगी हो गया होगा, लेकिन चूँकि इसमें जगह ही नहीं है पानी डालने की, आप देखिए बिल्कुल फुल कर दिया उसने, तो लिहाजा बिल्कुल
मौका नहीं है कि मैं इसके अंदर पानी डाल के खाऊं, तो लिहाजा इसको इसी तरह से मुझे खाना पड़ेगा। तो ये मैं फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा आप। अच्छा तो जनाब, ज़बरदस्त किस्म के ना गोलगप्पे खा लिए, सही वाले स्पाइसी बिल्कुल, और चटपटे, हाँ चटपटे, और उसका जो पानी था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ेदार था, बहुत हटके गोलगप्पे जब तक जो भी खाए हैं, थोड़ा सा जायका इनका डिफरेंट था, डिफरेंट जायका है। और मेरे ख्याल ये थोड़ी सी हिडन जगह है, इस वजह से लोगों को पता नहीं है, और यहाँ पर आए फ़ौरन आके जो ना गोलगप्पे ट्राई करें, और नीचे जाके कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि गोलगप्पे कैसे हैं, और सही रिकमेंड किया है हमने यानी क्या, ये हमें ज़रूर बता दिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नई व्लॉग पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।